ज्योतिरादित्य सिंधिया के घाटीगांव सहरिया संवाद सम्मेलन के पश्चात सहरिया समाज के युवा साथियों और सहरिया जनसेवा आर्मी के जवानों ने सहरिया जनजाति की जमीनों पर वन विभाग द्वारा शासन के पट्टे दिए जाने के बाद भी बेदखल करने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए आज सहरिया सेवा आर्मी के साथियों समाज के लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल लेकर जनसेवक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसेवक मोहन सिंह राठौर वन मंडल अधिकारी ग्वालियर अंकित पांडे से मुलाकात कर सहरिया समाज के लोगों की परेशानियों से अवगत कराया। डीएफओ पंकज तिवारी द्वारा समस्या का शीघ्र ही निराकरण तथा सहरिया जनजाति के कुपोषण तथा वन संपदा का उचित मूल्य दिलाए जाने की दिशा में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात इस दिशा में जिलाधीश अक्षय सिंह से मुलाकात कर रेवेन्यू विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उन समस्याओं पर हल निकाले जाने के लिए मुलाकात की जाएगी। इस संबंध में प्राथमिक चर्चा जिलाधीश से आज की गई। इस अवसर पर रेणु आदिवासी जनपद सदस्य कमल सिंह आदिवासी प्यारेलाल आदिवासी रमेश आदिवासी कुलदीप आदिवासी रवि आदिवासी इंद्र सिंह आदिवासी अतर सिंह आदिवासी हरनाम आदिवासी लक्ष्मण आदिवासी एवं समस्त आदिवासी समाज के कार्यकर्ता सम्मिलित रहे।